जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल भारतीय अभियंता में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं अपने डामर प्लांट पे, ड्रम मिक्स प्लांट जिसको बोलते हैं। यहाँ पे BC का मटेरियल निकल रहा है प्लांट से, जो साइड पे जा रहा है लेइंग होने के लिए। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि प्लांट में मटेरियल कैसे निकलता है, या यूं बोले कि कैसे बनता है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं सीधा अपने प्लांट पे। ये देखिए प्लांट पे हमारे इमल्शन पड़े हुए हैं, विटामिन इमल्शन। इनका उपयोग रोड में स्प्रे किया जाता है टैक कोट और प्राइम कोट के लिए। ये हमारे भैया हैं राकेश द्विवेदी जी, मटेरियल इंजीनियर। यहाँ ये डामर की गाड़ी खड़ी है, बाकी डीजल की गाड़ी है, हाईवा लगे हुए हैं। तो चलिए आपको हम प्रोसेस दिखाते हैं कि डामर कैसे प्लांट पे बनता है, बीसी का, और साइट पे कैसे जाता है। ये देखिए डामर की गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे आकर के, और हम चलते हैं अपने फीडर के तरफ, जहाँ से गिट्टी लोड होकर के कन्वेयर के थ्रू ड्रायर में जाती है। तो आपको पास से दिखाते हैं। अभी बीसी का मटेरियल निकल रहा है प्लांट से हमारे। यहाँ पे 4 बिन हैं जिसको फीडर बोलते हैं, 1, 2, 3, 4। इन चारों में अलग अलग तरीके की गिट्टी या डस्ट या बालू, जिस प्रकार का मटेरियल निकालना हो वो डला रहता है। जैसे ये एक में डस्ट है, दूसरे में 20 mm है, फिर 10 mm है, और बगल में उसके जो भी आपको उपयोग करना हो, डस्ट या बालू जो भी डाल सकते हैं। बाकी प्लांट चल रहा है, आइए नीचे से आपको समझाते हैं बेल्ट के बारे में थोड़ा सा। ये देखिए ये हैं फीडर हमारे, 1, 2, 3, 4। इन्हीं के थ्रू मटेरियल कन्वेयर से होके ड्रायर में जाता है। आइए पास से दिखाते हैं आपको। ये लगी है गैदरिंग कन्वेयर, यहाँ से मटेरियल निकल रहा है। ये 10 mm का है, 6 mm, और ये अपनी डस्ट निकल रही है। ये गैदरिंग कन्वेयर में मोटर लगे हुए हैं, गैदरिंग कन्वेयर से हो करके मटेरियल धीरे धीरे आता है सिलेंजर कन्वेयर से, इसको बोलते हैं हम सिलेंजर कन्वेयर। यहाँ से मटेरियल मारा जाता है ड्रायर में। एक आपको ऊपर में दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है हमारा एग्जॉस्ट, जो हवा देता है, जिससे कंटिन्यूस ड्रायर में आग जलती रहती है और मिट्टी गर्म होती है। उसके बगल में आपको दिखता होगा ये है LDO टैंक। LDO टैंक में लो डेंसिटी का ऑयल रहता है, जो मटेरियल को गर्म करने के लिए जलाया जाता है। ये पाइप लगी हुई है जिससे LDO आता है अपने ड्रायर में। ये हमारा सिलेंडर कन्वेयर है। ये देखिए मटेरियल में छोटे गिर रहा है। ये लगा है LDO का पाइप लाइन, LDO जाता है हमारे ड्रायर में। LDO का टैंक है, ये हमारी मोटर या जेसीबी मशीन है, क्योंकि हमारे फिलर टैंक में फिलर या सीमेंट डाला जा रहा है। ये हमारा फिलर टैंक है, फिलर में आप चूना सीमेंट जो भी आपको टैंक का उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे दो भैया लोग लगे हुए हैं टैंक में सीमेंट पल्टी कर रहे हैं। यहाँ इसके नीचे में एक पाइप
लाइन लगी होती है जिसके थ्रू शायद आपको दिख रहा होगा सीमेंटियस मटेरियल मारा जाता है टायर में। ये बगल में डामर के टैंक हैं। ये डामर टैंक लगभग 25 से 30 टन के होते हैं। एक टैंक कैपेसिटी है लगभग। ये और एग्जास्ट पंप लगा हुआ है जिसके थ्रू धुआं या डस्ट जो भी है गर्म होकर के बाहर निकलता है। और उसके बगल में है हमारे लोड आउट कन्वेयर जहाँ से फाइनली मटेरियल तैयार होकर के निकलता है। ये देखिए बीसी मटेरियल निकालते टाइम आपको दो चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान देना है, एक तो उसका टेम्परेचर और दूसरा विटामिन कंटेंट का। ये देखिए लोड आउट कन्वेयर के थ्रू जो हमने दिखाया था आपको मटेरियल हमारा ये गाड़ी में लोड हो रहा है और यहाँ से लोड होने के बाद सीधा साइड पे जाता है जहाँ जा कर के लेइंग होता है। तो इसको हम अपने दूसरे वीडियो में आपको दिखाएँगे। ये हमारे ऑपरेटर भैया हैं कृष्णा जी जो प्लांट ऑपरेट करते हैं। ये देखिए हमने मटेरियल मंगाया है जिसमें हम टेम्परेचर चेक करेंगे कि टेम्परेचर कैसा है। ये है डिजिटल टेम्परेचर मीटर, इसको हम ऑन कर लेते हैं। ये है डिजिटल टेम्परेचर मीटर, इसमें टेम्परेचर चेक करेंगे कि टेम्परेचर आ कितना रहा है अपने मटेरियल का। यहाँ लोड आउट कन्वेयर के थ्रू गाड़ी लोड हो रही है। अगर हम मॉर्थ के हिसाब से जाएं तो कम से कम टेम्परेचर 150 प्लांट पे होना चाहिए और टावर भी डिफरेंट टाइप का होता है जिसको हम एक उसका अलग से वीडियो बना के आपको समझाएंगे। गाड़ी लोड होके निकल गई है, दूसरी गाड़ी लोडिंग के लिए लगी है। तो ये प्रोसेस है हमारे बीसी की। ये डीजी लगा हुआ है जो इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है प्लांट को और ये हमारा कैबिन है जहाँ से प्लांट ऑपरेट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँच सके।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।